वेलकम टू माय चैनल खाने खजाना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल खाने खजाना। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दही बड़े की रेसिपी। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कटोरी मूंग की दाल ली है और एक कटोरी यहाँ पे हमने उड़द की दाल ली है। अब क्लीन वाटर से हम इन दालों को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद दोस्तों हम इसे 15 मिनट तक के लिए किसी बर्तन में इन दालों को हम भिगो लेंगे। दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है। इस दाल का हम पानी निकाल लेंगे किसी छन्नी की मदद से। अब हमारे दाल का पानी अच्छे से निकल चुका है। एक ब्लेंडर में हम हमारी दाल को डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हमारा फाइन पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। फाइन पेस्ट को हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इसे हम एक बार 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। पे हम एक जार लेंगे। जार में हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे। धनिया डालने के बाद 5 से 6 हरी मिर्ची डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। यहाँ पे 2-3 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। उसके बाद 1/2 टीस्पून हम अपने जीरा डालेंगे। जीरे के बाद 1/2 टीस्पून नमक डाल के चटनी को हम तैयार कर लेंगे। अब हमारी चटनी बन चुकी है। यहाँ पर हमने एक दही लिया है। दही को हम फेंटना शुरू करेंगे। 1/2 टीस्पून यहाँ पर हमने नमक डाला है। 1/2 टीस्पून हमने जीरा पाउडर डाला है। उस 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हमने शक्कर डालकर इसको हिला लेंगे। यहाँ पे उड़द की दाल के पेस्ट को हम लगातार हिलाते रहेंगे। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे नमक डाला है। 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे सोडा डालेंगे। यहाँ पे हमने तेल लिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम वड़े बनाना शुरू करते हैं। एक तरफ से हमारे वड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इसे एक झाड़ी की मदद से हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। एक ठंडे पानी का बर्तन लिया है, उसमें हम हमारे वड़े को इसमें डाल देंगे। अब इन वड़ों को हम थोड़ा सा निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद हम यहाँ पे एक कटोरी लेंगे। कटोरी में यहाँ पे हम वड़े डालेंगे और यहाँ पे हम दही डालेंगे। दही डालने के बाद यहाँ पे हम हरी चटनी डालेंगे। हरी चटनी के बाद हम लाल चटनी डालेंगे। यहाँ पे हम जीरा पाउडर डालेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारे दही बड़े रेडी हो चुके हैं। करती हूँ कि आपको हमारी ये डिश अच्छी लगी होगी। भी इसे अपने घर पे जरूर बना के ट्राई करें। कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके बताएं कि आपको हमारी ये डिश कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।